क्या कांग्रेस नकल के नारे के सहारे 2019 में जीत हासिल करना चाहती है? हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी से जयवीर शेरगिल हैं, कांग्रेस से नावेद सिद्दीकी हैं, समाजवादी पार्टी से, और अभिलाष खांडेकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो दिल्ली से इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। ब्रेक के पहले कुछ सवाल मैंने जयवीर से किए थे। संबित पात्रा, आप लगातार हाथ उठाए हुए थे, सवाल बड़ा सीधा सा है। अगर अच्छे दिन आ गए होते तो आपको टीवी पे बैठ के बार बार ये बताना नहीं पड़ता लोगों को कि अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन आ गए होते संबित पात्रा, तो आपको कागज ले लेके लहरा लहरा के जताना नहीं पड़ता कि अच्छे दिन आ गए, लोगों को दिखने लगते और आपको दुआइयां नहीं देनी पड़ती फिर कि अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन चल पड़े हैं, अच्छे दिन इतने दिन में पहुंच जाएंगे, ये सब नहीं करना पड़ता। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में अगर अच्छे दिन आते हैं और जनता उस अच्छे दिन को महसूस करती है तो बैलेट बॉक्स में अपना मत डालकर या ईवीएम मशीन में बटन दबाकर वो उसका इजहार करती है। तभी तो आप देखिए, अब जब से हमने 2014 में अपना सरकार बनाया, उसके बाद से सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार भारत में इतिहास में कभी बनी थी तो तब बनी है। आज 11 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतवर्ष में हैं, और अगर सबसे ज़्यादा ह्रास किसी पॉलिटिकल पार्टी का हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। अगर वो अच्छे दिन लाए होते 10 सालों में जब उनको मौका मिला था, तो उनका आगे बढ़ना होता और हमारा पीछे जाना होता, तो जनता तो इस बात को मान गई है। कागज तो मैं जयवीर शेरगिल जी के लिए लहरा रहा हूं कि जो लोग देखना नहीं चाहते, राहुल गांधी जी सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे 10 करोड़ से ज्यादा लोग मिसकॉल देके मेंबर बन चुके हैं। पात्रा जी, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में जीत को आप बताते हैं कि जनता ने मुहर लगा दी, दिल्ली और बिहार को बड़ी आसानी से ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, वो लोकतंत्र नहीं है क्या? दिल्ली और बिहार के चुनाव का नतीजा देखिए, इसमें नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र है। दिल्ली और बिहार में भी उसको नकारना उचित नहीं होगा, उस पर भी हमारा गहन मंथन हुआ है। जिस प्रकार से एक महागठबंधन बना के वहाँ पर चुनाव लड़ा गया, स्वाभाविक रूप से उसके पीछे भी कारण होंगे। मगर मैंने कहा, 11 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, लगातार डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी जिस प्रकार से चुनाव पे चुनाव हम जीतते चले जा रहे थे, वह भी आपके सामने रहा है। और देखिए, आज एक बड़ी बात है, कागज लहराने की बात आप कह रहे हैं। कागज तो लहरा लहरा के सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को हम 10 दिन तक दिखा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन में 16 दिसंबर को राहुल गांधी जी द्वारा दिखाने वाले कागजों को फर्जी बताया है, उसके बाद भी इन लोग मान नहीं रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के कागज को तो दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, मगर डिबेट है तो फिर भी दिखाना पड़ता है ना कागज, कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा एंट्रीज को फर्जी, अर्थात पिक्चर्स अंग्रेजी में बिग जीरो मतलब शून्य, और उसके बाद नॉट जेन्युइन कहा था कि यह सच नहीं है, उसके बाद भी आज बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा है इनको, राहुल गांधी जी को। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सारा कुछ फर्जी है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाला है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते उसका हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं जयवीर, पूछिए जयवीर। संबित, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। मेरे मित्र, अपना मैनिफेस्टो उठाओ और इस जनता को बताओ कि कौन से वायदे पे आप खरे उतरे हो। 15 लाख, 100 दिन में काला धन, नोटबंदी के 50 दिन, मेक इन इंडिया की बात की, सरदार पटेल का स्टैच्यू नानचंग नाम प्रोविंस चीन में बन रहा है और चीन से ही वर्कर आ रहे हैं, स्वच्छ भारत की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लगता नहीं है हमारे इस लाइफ टाइम में गंगा मैया साफ हो सकती है, स्टैंड अप इंडिया की बात की, पूरे दलित छात्र पे आपने जंग छेड़ दी, आपने स्टार्टअप इंडिया की बात की, 50% इन्वेस्टमेंट डाउन है आज स्टार्टअप्स पे, 3.8 बिलियन पे खड़ी है जो $6.8 बिलियन पे खड़ी थी, आपने किसानों की बात की, किसान आत्महत्या हमारे शासन में भी करते थे, 33% बढ़ोतरी है किसानों की, पंजाब से हूं, किसान वहां की मान शान थे, आज तक आत्महत्या बहुत कम हुई, पिछले 6 महीने में 2016 में ही 136 किसानों ने अपनी जान दी, तो अपने इलेक्शन जीतने को इतने भ्रम में मत आओ और अहंकार मत करो। आज राष्ट्रपति ने कहा है पिछले 7 साल में पहली बार हुआ है कि इतनी कम रोजगार दी गई है, क्या राष्ट्रपति देशद्रोही है? क्या राष्ट्रपति आज उनको आप कहेंगे ये कांग्रेस के हैं, ये सपा के हैं, बीएसपी के हैं? तो जब जब आप पे उत्तर प्रश्न उठता है, आप कहते हो आप पाकिस्तान जाओ, आप देशद्रोही हो, उनसे जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए, और थोड़ा सा शॉर्ट क्योंकि आप जवाब भी चाहिए। मेरे पास दो पैनलिस्ट और हैं, सब भी जवाब दीजिए, फिर मैं नावेद सिद्दीकी और अभिलाष जी के पास जाना चाहता हूं। मैं इसका बड़ा सीधा जवाब देता हूं। आज से 30-40 साल पहले इंदिरा गांधी जी कहते थे कि मैं अपने कार्यकाल में गरीबी हटा दूंगी, उसके बाद उनके सुपुत्र राजीव जी कहते थे मैं अपने कार्यकाल में गरीबी हटा दूंगा, फिर सोनिया जी ने कहा गरीबी हटा दूंगी, फिर राहुल जी कह रहे हैं गरीबी हटा देंगे, गरीबों को तो कुछ नहीं अच्छा हुआ,
एक गरीब हटा क्या, एक गरीब अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे। और आज आप पूछ रहे गंगा मैया आपके दो साल के अंदर साफ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आज पूछ रहे गंगा मैया क्यों नहीं साफ हो गई दो साल के अंदर। अरे 30 साल तक राजीव गांधी जी ने गंगा मैया को साफ करने के नाम पर सारा पैसा गबन कर दिया और आप अभी एक दो साल के अंदर कह रहे गंगा मैया पूरी साफ क्यों नहीं हो गई। आप 15 लाख करोड़ लूट लिए और आज आप पूछ रहे मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपये क्यों नहीं आया। देखिए देश की जनता को आप मूर्ख मत समझिए, देश की जनता आपको और हमको भले तरीके से पहचानती है, ठीक है, कि कौन काम कर रहा है और काम कौन केवल चिल्ला दिल्ला रहा है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जनता को तो तकलीफ थी इसमें कोई संदेह नहीं है, राहुल गांधी अगर जनता के तकलीफ के लिए थे तो लंदन क्यों चले गए थे नाचने गाने के लिए, यहां वाकई जनता के साथ खड़े नजर आते। अब तो आ गए ना, बस छोड़ दीजिए उस बात पे, आगे बढ़ जाइए। आपसे मैंने एक दिन पहले भी पूछा था, आप यूपी में केवल बीएसपी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं देखिए, यूपी में हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने काम को लेकर के और हम किसी को नहीं देख रहे हैं, कोई भी दल चाहे बीएसपी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग अपने कागज इनको लहराने दिए। बहुत अच्छी बात कही रोहित भाई आपने और काबिले तारीफ, मैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के इस बात की तारीफ करूंगा कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ कागज लहराने से जनता जो है चैनल पर देख ले कि आपने काम किया है, वो काम जमीन पर उतारिए, उत्तर प्रदेश को जो देना था पैसा वो दीजिए ताकि आपका काम चलता, लेकिन आपने वो सब नहीं किया। खैर वो एक अलग मुद्दा है। और लेकिन आपने कहा कि बीएसपी से लड़ रहे हैं बीजेपी से, हम किसी से नहीं, हम अपना वादे जो लेकर आ रहे हैं, हम एक वन टाइम एजेंडा है हमारा, फोकस्ड है हम लोग बहुत ज्यादा सबसे पहली चीज, और अपने डेवलपमेंट पे, अपने जो हमने काम किए हैं, हमारा डेवलपमेंट जैसा आज काम के बोल रहा है अखिलेश यादव जी को लोग जो है सर चढ़कर उनकी इज्जत कर रहे हैं और देख रहे हैं सीख रहे हैं कि हाँ घर में इज्जत मिल रही है, आप कर रहे हैं लोग इज्जत कर रहे हैं, आज सारे घर में इज्जत मिल रही है सर, घर में इज्जत के लिए इतने दिन से लड़ाई चल रही है, रोज टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है सर। देखिए ऐसा इतना पारिवारिक ड्रामा तो किसी का नहीं देखा होगा दुनिया में, देश में सीरियल में नहीं होता सर इतना। तो आप कह रहे हैं जनता इज्जत कर रही है, जनता इज्जत करती तो घर में तो मिल जाती कम से कम इज्जत। क्या हुआ नावेद जी, शायद आवाज जानी उनको बंद होगी। बहरहाल अभिलाष खांडेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, वापस अच्छे दिन की परिभाषा में आपसे पूछना चाहता हूं। आप उस वक्त बता रहे थे और बजर बज गया था, अब बजर नहीं बजेगा सर, आप बताइए क्यों आपको लगता है कि अच्छे दिन की परिभाषा जो है वो रिलेटिव है। अच्छी बात है, आपके अच्छे दिन हो सकते हैं तो जरूरी नहीं कि मेरे भी अच्छे दिन हो, और अगर जब सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे तो सबका साथ सबका विकास भी कहा था सर, ये तो नहीं कहा था कि मेरे लोगों के आएंगे कांग्रेस के लोगों के बुरे दिन आ जाएंगे। देखिए अच्छे, देखो अच्छे दिन ये पॉलिटिकल जुमला था, इसको तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी मान लिया था। मेरा संदीप पात्रा जी को ये प्रश्न है कि क्या ये जुमला है या सही में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार इस पर काम किया जाना, ये एक बार क्लियर हो जाए फाइनली, जिससे अच्छे दिन या बुरे दिन के ऊपर अपन आगे बात कर सकते हैं। क्या अच्छे दिन जुमला, यदि जुमला है तो इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, यदि जुमला नहीं है तो हम फिर अच्छे, क्योंकि आपको याद हो तो अटल जी के जमाने में भी इंडिया शाइनिंग और फील गुड जैसे नारे आए थे और उसके बाद अटल जी की सरकार बाहर हो गई थी। तो इंडिया शाइनिंग, फील गुड, अच्छे दिन, ये सारी चीजें अलग अलग सरकारें लाती है, कुछ एड एजेंसीज वाले लाते हैं कुछ उसको, लेकिन उसको कितने सीरियसली भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने रखना चाहती है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जनता त्रस्त है तो उसको अच्छे दिन बहुत ज़्यादा कुछ चारों तरफ दिख नहीं रहे, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जॉब एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, और अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया 31 दिसंबर को तो उसमें यह अपेक्षा की गई थी कि उद्योगों को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, आज उद्योगपति साधारण व्यापारी डरे हुए हैं, यदि वो डरे हुए होंगे तो वेल्थ जनरेशन शायद नहीं हो पाएगा, इसी से GDP भी लिंक्ड है। तो इन सारी चीज़ों को यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से अच्छे दिन कोई आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी पात्रा जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अच्छे दिन एक जुमला है एक या गंभीर बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बोलिए पात्रा जी। देखिए पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अच्छे दिन को जुमला नहीं बताया था। सर क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात पात्रा जी, अच्छा क्या, क्या होता है पात्रा जी, टीवी पे बैठे हैं सर आप और टीवी पे कई बात आप गलत बता दे रहे हैं। अच्छे दिन शाह जी ने बोला है, नहीं 15 लाख वाला विषय और अच्छे दिन आप में फर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि गले की हड्डी बन गई है। नहीं, मैं आपको आज चैलेंज करता हूं कि अमित शाह जी का वो बाइट दिखा दीजिए जहां उन्होंने अच्छे दिन को जुमला कहा हो। आप कंफ्यूज कर रहे हैं 15 लाख के साथ,
अच्छे दिन वाले को कभी भी किसी ने जुमला नहीं, अमित शाह जी ने जुमला नहीं कहा है, मैं आपको करेक्ट कर दूं, यही करेक्ट कर रहा था उनको फैक्चुअली में। नंबर दो, देखिए अच्छे दिन क्या होता है, जिसके गांव में 70 साल तक बिजली ना पहुंची हो। नाम ले लेता हूं। सर आपने आपने राष्ट्र अध्यक्ष कहा था, मैंने आपको यहां पे करेक्ट किया है। दूसरी बात, अच्छे दिन क्या होता है, 70 वर्ष तक आपके गांव को बिजली ना पहुंचे, अगर बिजली पहुंच जाए तो आप उसे अच्छे दिन नहीं मानेंगे? दूसरी बात, अगर 70 साल तक आपके घर पे एलपीजी की गैस नहीं पहुंच रही थी, तो आप अगर पहुंच जाता है एलपीजी की गैस, तो आप उसे अच्छे दिन नहीं मानेंगे? अच्छे दिन क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा पहले बिचौलियों के हाथ से जाता था, और राजीव गांधी खुद कहते थे 1 रुपया फेंको तो 25 पैसा पहुंचेगा, अगर पूरा 1 रुपया पहुंच जाता है गरीब के हाथ तक, तो क्या वो अच्छे दिन नहीं होते हैं? देश का 15 लाख करोड़ रुपया, 14 से 15 लाख करोड़ रुपया लूट लिया गया, अगर वो जीरो हो जाता है तो वो अच्छे दिन नहीं है क्या? आपके मेरे पैसे से तो लूटा जाता था, ये 2G 3G जीजा जी सब किसकी लूट थी, कोलगेट किसकी लूट थी? ये लूट बंद हो जाता है तो ये अच्छे दिन नहीं है, ठीक है? और जहां तक व्यापारियों का और बड़े बड़े उद्योगपतियों का डरने की बात आप कह रहे हैं, देखिए डरेगा वही जब अभी रैली डरेगा बुलाएगी, दोनों लोग मुझसे सवाल पूछ ले, बचा के रखिए ना, सब यही बोल जाएंगे, थोड़ा समय का आप भी ध्यान रखिए, बाकी लोगों को भी मैं बार बार कह रहा हूं, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभिलाष जी, नावेद सिद्दीकी कट गए थे, मैं वापस उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन ये बताते हुए तीन लोग जब ये चर्चा चल रही थी, अभिलाष जी मैंने चेक किया इंटरनेट पे, ये बात सच है, जिस इंटरव्यू का आप जिक्र कर रहे थे अमित शाह ने, उसमें 15 लाख रुपए की बात को जुमला कहा था, अच्छे दिन का जिक्र उसमें नहीं है। बहरहाल आप संबित को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं, कर लीजिए जी। अभिलाष जी बोलिए। मैं भी करना चाहता हूं जी, पात्रा जी से मैं वही पूछना चाह रहा हूं वापस, कि अच्छे दिन की जो परिभाषा है उसको वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो क्या सिर्फ घोटालों तक ही सीमित है या उसके बियॉन्ड जाके डेवलपमेंट की जो बात चल रही है कि बिजली के खंबे या सड़कें बनना और ये जो सारी चीजें वो है, या डीमोनेटाइजेशन से उसको लिंक करना चाहते हैं वो? संबित छोटा जवाब दीजिएगा, फिर जयवीर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। मैंने आपको देखिए, मैंने आपको अभी समझाया कि अगर 2 वर्षों में 10,000 किलोमीटर रोड बनता है तो ये अच्छे दिन नहीं है क्या? सब चीज को डिमोनेटाइजेशन पर लेकर आ रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन पर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पढ़ रहे हैं उसको भी जोड़ लिया एक सेकंड, अखबार में जो हम देख रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन पे 3 से 4 लाख करोड़ रुपए काला धन वापस आया है, उस पर इनकम टैक्स काम कर रही है, तो परेशानी क्यों है? क्या ये अच्छे दिन नहीं है? आप चाहते थे कि काले धन पर आक्रमण ही नहीं होता तभी वो अच्छे दिन होते? कांग्रेस के समय में अच्छे दिन काले धन धारकों के लिए था, वही डरते थे और वही उद्योगपति डरते थे, ठीक है? अब डरते हैं, ओके, उस समय ओके, वो उद्योगपति मजे में थे क्योंकि उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता था, ठीक है? जयवीर जल्दी से मैं बोल लूं? हाँ, आप बोलिएगा सर, सवाल पूछने में समय जाया मत कीजिएगा क्योंकि समय बचा नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जयवीर बोलिए। संबे ढोल पीट रहे हो अच्छे दिन का मेरे मित्र, जब कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 107 रुपए बैरल था और जब आज 50% कम हो गया, हमारे मुल्क में डीजल की कीमत वही है, तो कौन से अच्छे दिन? दाल महंगी हो गई है तो कौन से अच्छे दिन? आम आदमी आर्थिक गणित नहीं कहता, आरबीआई की रिपोर्ट है पिछले हफ्ते आई है, आम आदमी हो गई बढ़ रहा है, बार पढ़ा है, 2 सालों में और बढ़ेगा, तो अच्छे 5 वर्ष में सबसे सस्ती हो गई है दाल, अखबार पढ़िए, सस्ती होती तेल कीमत सस्ती होती, आप जनता की जेब में हाथ डाल पढ़ लीजिए, रोहित जी का अखबार दिखाइए आज का, सबसे दिलचस्प बात है सबसे दिलचस्प बात आज का है, रुपया गवर्नमेंट पे चला गया, जनता को क्या मिला? अच्छा आपने किसान की गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी कटा दी, 25% इंपोर्ट ड्यूटी थी हमारे किसान को बचाती थी, नोटबंदी के बाद शून्य कर दी, किसके अच्छे दिन आए? किसान के नहीं, जो ऑलरेडी हम लाचार थे, आर्थिक स्थिति लाचार थी, बेसाखियों पे थी, वो आपने तो वो भी छीन ली, तो कौन से अच्छे दिन? जितने कारखानों में पिछले 50 दिन में ताले लगे हैं आज तक 70 साल में भी नहीं लगे, 70 साल का हिसाब मांग रहे हो, 50 दिन की रिपोर्ट कार्ड तो शेयर कर लो, 70 साल बहुत दूर की बात है। अरुण जेटली कहते हैं टैक्स बहुत आया, कितनी बेरोजगारी हुई नहीं बताएंगे, कितना काला धन आया नहीं बताएंगे, आतंकवाद कितना खत्म हुआ नहीं बताएंगे, हम बताएंगे टैक्स कितना आया, तो बता तो रहे हैं काला धन कितना आ रहा है, आप सुनकर रहे हैं। समय समाप्त हो गया है, मैं माफी चाहता हूं, नावेद साहब से मैं कमेंट लेना चाहता था, लेकिन समय से बहुत ओवर जा चुके हैं, ये याद दिलाना चाहता हूं जरूर लेकिन अपने दर्शकों को, कि आज भी वही बात हुई है जो 5-6-7 साल पहले होती थी, हम टीवी डिबेट करते थे, हम ये कहते थे पैनलिस्ट से कि साहब आंकड़े नहीं खाता आम आदमी, आम आदमी दाल खाता है, रोटी खाता है, सब्जी खाता है, आज खुद विपक्ष ये कह रहा है
कि आंकड़े नहीं खाता आम आदमी, दाल खाता है, रोटी खाता है। जब वो दाल रोटी उसकी पहुंच में हो जाएगी, जब वो सब्जी उसकी पहुंच में हो जाएगी, उसके अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे, किसी को आंकड़े नहीं बताने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत यह है, ये बात राजनीतिक पार्टियों को तब समझ में आती है जब वो कुर्सी से नीचे उतर के विपक्ष में आ जाती है। जब तक कुर्सी पर रहती हैं वो आपको आंकड़े ही खिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज तार तोके का हिस्सा बनने के लिए।